तो मैंने कहा, कुछ ने कहा, सब तैयार हैं? यस भाई साहब, मैंने कहा था कि यदि कोई लाइन किसी बिंदु से पास करती है, किसी बिंदु से गुजरती है, तो उसका वैल्यू उसमें पुट करने पर उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यही सिखाया था ना? यस सर। अब ऐसे करके दो इक्वेशन दिया रहेगा, दो समीकरण, और बोलेगा कि ये पास करती है कि नहीं। ध्यान देखो, पढ़ देखो, फटाफट देख रहा हूं, अभी लिखना मत। ऐसे दो इक्वेशन दिया रहेगा, दो समीकरण, तो कहा कि दोनों लाइन, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटती हैं। दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द सर्टेन पॉइंट। ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमसे पूछेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब ऐसा पॉइंट जहां से ये गुजरी है और जहां से ये भी गुजरी है। तो इसका मतलब क्या, वहां पर जो एक्स वाई का जो वैल्यू होगा कॉमन होगा, वही पॉइंट जो जिससे ये गुजर रही है उससे ये भी गुजर रही है ना, तो वो पॉइंट दोनों के लिए कॉमन हो गया ना। यहां जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इसको ही सेटिस्फाइड करेगा और इसको भी करेगा ना। मेरे बात समझ में आ रहा ना? मतलब दोनों का जो कॉमन वैल्यू होगा वही वो पॉइंट होगा। क्या भाई साहब? तो कॉमन वैल्यू मतलब इसका एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, बचपन में सीखे होंगे ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना, यदि इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई करके इक्वल करते थे, याद है, और काट उठ के माइनस एक्स बराबर माइनस, तो एक्स बराबर और तीन दूनी छे और छे जाके माइनस करो तो वाई बराबर, तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट थ्री और, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करके बताते थे हम लोग कि वो बिंदु तीन और एक है। समझ में आ रहा सबको? तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं, यदि कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, किसी बिंदु से गुजरती है, मतलब उस बिंदु पर जो है दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो पॉइंट दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना? वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन आप अपने हाथों से बना के दिखाएं, फिर चलेंगे आगे। ठीक है, सब तैयार हैं? भाई साहब ये भी कोऑर्डिनेट में ऐसी होगा, लाइव कर दिया ना, आराम से तुम लोग आया करो। ठीक है ना, फ्री में कर दिया लाइव ना, मालूम कोऑर्डिनेट पूरा फ्री है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। लिखें इंटरसेक्ट द लाइन इतना इतना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन लिख लिए, इक्वेशन ऐसे लिखो, डायरेक्ट नीचे लिख लो कि दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट। ये दोनों रेखाएं, पहले इक्वेशन लिख ली दोनों, ओके, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटती हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं। दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटती हैं। ठीक है, दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लिख लिए।
ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं। These two lines intersect to each other at a certain point. ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं। तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा? Find the coordinate of that point, है ना? उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल लें। प्लीज धाएं धाएं बताएं। बताइए भैया। 2 minus 1 आ रहा है। थैंक यू। ठीक है ना? आया मेरे भाई लोग? थैंक यू। कोई भाई पूछना चाहते हैं? कोई तो होंगे जो बचपन की बातें भूल गए होंगे, नहीं भूले? अच्छा, इस इक्वेशन में हम 3 से गुना कर दें और इसमें 4, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 से 12 हो जाएगा, 4 से ये 12, दोनों कट जाएगा, है ना? पक्का? तो करो, शुरू हो जाओ। 3 3 9, 4 3 12, 10 3 4 से 4 6 16, 4 3 12 और 5 6, ये तो देखो माइनस तब करते हैं जब दोनों का साइन सेम हो। माइनस कब करते हैं? जब दोनों का साइन, और प्लस कब करेंगे? अलग अलग हो, अपोजिट हो। प्लस करो तो कट गया, कितना हो गया ये? और ये एक्स बराबर, और कहीं भी पुट कर दो इसी किसी के सर में, देखो कहीं भी पुट करते हैं, 4 2 8 और 8 में से, या माइनस करें 5 में से 8, तो कितना? -3, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस, तो खुद भी कर सकते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 minus 1। समझ में आया भाई? यस सर। लिखिए क्वेश्चन प्लीज। तैयार है ना सब लोग? लिखिए, लाइन 5x + 2y = 7, 2x - y = 1, and x + y + k = 0। तीनों लाइन लिखिएगा, ठीक है ना? ये तीनों लाइन लिख लिए, ये तीनों रेखाएं, ठीक है भाई, एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटती हैं। ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटती हैं। दिस थ्री लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट। ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटती हैं। ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटती हैं। दिस थ्री लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है ना? ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो k का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का मान क्या होगा? आ गया, आ गया क्या? आपको तकलीफ है?
आ गया। देखो कहा कि ये तीनों लाइन एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटती हैं, तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जो तीनों के लिए कॉमन होगा, सेम होगा, ठीक है ना, कॉमन वैल्यूज हो जाएगा तीनों के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो पॉइंट इन दोनों के लिए कॉमन होगा वही उसके लिए भी कॉमन होगा, है ना। मेरे बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, जाग रहे ना। इस इक्वेशन में दो से गुना कर दो, यहां लिखो 5x प्लस 2y बराबर, दो से गुना करो 4x माइनस 2y बराबर, 4x माइनस 2y बराबर, यस और नो? यस सर, जी सर, ये काट दीजिए सर, 5 4 7 2 एक्स बराबर, कहीं पुट कर दीजिए सर, 5 1 5 माइनस क्या तो 2, तो 2 से 2 कट गया, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, वाई का वैल्यू भी 1। तो वही एक्स और वाई का वैल्यू हम यहां पर पुट कर दिए, ठीक है ना, एक्स का 1 वाई का 1, एक्स का वैल्यू भी 1 और वाई का वैल्यू भी 1, समझ में आ रहा है ना। तो के का वैल्यू क्या होगा, ओके, कोई दिक्कत तकलीफ, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं, ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, है ना। ये बच्चा वाला बात था, क्या आप ऐसा बना सकते हैं, थैंक यू, इसे मिटा दिया जाए, देखिए ध्यान से फटाफट। ये दो लाइन का इक्वेशन है, दसवीं क्लास में पढ़े होंगे ये बात, तो इसमें क्या था कि यदि x का कॉफिशियंट मतलब a और d नॉट इक्वल टू b और e, इनके कॉफिशियंट इसके कॉफिशियंट का रेशियो यदि बराबर न हो, क्या हो, बराबर न हो, तो इसका मतलब ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, मतलब केवल एक ही हल होगा, एक्स वाई का कितने हल होंगे, एक ही हल होगा, ठीक है ना। यदि कहे कि एक्स के कॉफिशियंट का रेशियो और वाई का कॉफिशियंट का रेशियो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन के कितने हल होंगे, ओनली वन सोल्यूशन, समझ में आ रहा ना। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटेंगे, क्या करेंगे, एक निश्चित बिंदु पर काटेंगे। यदि आपसे ये भी पूछे ऑब्जेक्टिव में कि दो लाइन एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटती हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द सर्टेन पॉइंट, टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द सर्टेन पॉइंट, दो रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटती हैं, तो इनके कितने सोल्यूशन होंगे, तो बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है ना, सिर्फ एक हल होगा, समझ में आ रहा ना, क्या बोलेंगे, केवल एक हल होगा, समझ में आया मेरे भाई, क्या बोलते हैं इसको, केवल एक हल होगा, समझ में आया।
कोई दिक्कत भाई? ओके ए बाई डी इक्वल टू बी बाई ई और नॉट इक्वल टू कौन सी बाई एफ, ठीक है ना? मतलब ये तो बराबर है, ठीक है ना, लेकिन कौन बराबर नहीं है? अगला टर्म इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में क्या बोलेंगे? नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? इनके कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट का रेशियो तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, या इधर का गोल लीवर कुछ भी हो लेकिन यही बराबर आ गया, है ना, ये बराबर नहीं है, तो बोलेंगे नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशन। मतलब ऐसे केसेस में दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यदि आपसे ये कहे कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप क्या बोलेंगे? नो सोल्यूशन, ठीक है ना? और दो रेखाएं एक दूसरे के ऐसे पुश ऑब्जेक्टिव बनाता है, ध्यान रखिएगा, इफ टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कितने सोल्यूशन होंगे? नो सोल्यूशन, ठीक है। यदि एक्स के कोफिशिएंट इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म, एक्स के कोफिशिएंट वाई कोफिशिएंट बराबर है लेकिन कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, ओके, तो ऐसे केसेस में क्या होंगे? नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सोल्यूशन। समझ में आ रहा सबको? ओके, मतलब ये लाइन क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यही ना? यस, एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट कांस्टेंट का रेशियो सब बराबर है, तो बोलते हैं इन फाइनाइट सोल्यूशन, इनफिनाइट अनेक हल होंगे, क्या होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है ना? क्या होंगे भाई? अनेक हल होंगे, ठीक है ना? इसमें लाइन क्या होते हैं? हाँ, एक दूसरे पर कोलाइड करते हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं, यही ना? अरे दो लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप, ये भी लाइन उसी पर है और दूसरा लाइन भी इसी पर है, एक दूसरे पर, है ना, ओवरलैप कर जाए, है ना, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? इनफिनाइट सोल्यूशन, है ना, संपाति एक ही लाइन में हो, ठीक है ना? समझ रहे हैं सब लोग ना? तो याद रखेंगे, कहीं बोले दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करे तो कितने सोल्यूशन होंगे? ओनली वन। दो लाइन पैरेलल हो तो नो सोल्यूशन, दो लाइन एक दूसरे पर, है ना, ओवरलैप करे तो क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सोल्यूशन, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे यहां देखिए प्लीज, बातें न करें, तैयार हैं भाई लोग? यहां देखिएगा, बातें नहीं, पहले सुनिएगा ध्यान से, ऐसे लिखा है दो समीकरण, ऐसे लिखा है, यदि दो समीकरण इस प्रकार से लिखा हो, दो इक्वेशन इस प्रकार से लिखा हो और कहे कि इसका यूनिक सोल्यूशन, क्या बोलेगा? यूनिक मतलब ओनली वन सोल्यूशन, केवल एक हल है इस समीकरण, कितने हल हैं? केवल एक हल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का मान क्या होगा? ठीक, क्या पूछेगा आपसे? के का मान क्या होगा, ठीक है ना? देखिए हाँ प्लीज, तो ओनली वन सोल्यूशन का मतलब हो गया कि एक्स का कोफिशिएंट, यहां क्या है एक्स का कोफिशिएंट? के प्लस वन, अरे हाँ, नॉट इक्वल टू थ्री बाई थ्री बाई फाइव, नॉट इक्वल टू थ्री बाई फाइव, यस अनु? यस सर। यहां पांच से गुना करना, फाइव के प्लस फाइव, नॉट इक्वल टू तीन दूनी छ, फाइव के नॉट इक्वल टू, उधर ले जाओ वन, तो के नॉट इक्वल टू वन बाई फाइव, ठीक है ना?
तो इसका आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा के नॉट इक्वल टू वन बाई फाइव, के नॉट इक्वल टू वन बाई फाइव। समझ में आ रहा सबको? अच्छा, मतलब के का वैल्यू ये नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड कहोगे, लेकिन सिर्फ ये नहीं होगा, के इक्वल टू वन बाई फाइव नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहां पर हो सकता है। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो याद रखेंगे तो ऐसे करके बनाएंगे, ठीक। और इसी में कहता नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। अब इसी में कहता नो सोल्यूशन, इसी में क्या कहता? नो सोल्यूशन कहता, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में के प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव कर देते, यही ना है ना, नो सोल्यूशन मतलब। फिर यहां से करते फाइव के प्लस फाइव बराबर तीन दूनी, फाइव के बराबर वन बाई, तो ऐसे करके के का वैल्यू वन बाई फाइव। एनी प्रॉब्लम? मेरे बात समझ में आ रहा सबको? तो ऐसे करके हम आलाएं के का वैल्यू वन बाई फाइव। तो ये वन बाई फाइव होगा तो सोल्यूशन होगा ही नहीं, इसलिए उसने कहा कि नॉट इक्वल टू वन बाई फाइव। इसको छोड़कर जो लिखना लिख लो, क्योंकि ये लिखोगे तो सोल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए नो सोल्यूशन में तो ये होगा, और नॉट सोल्यूशन ओनली वन सोल्यूशन में ये नॉट इक्वल टू वन बाई फाइव, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे करके हम अभी इक्वेशन देंगे आपको, और आपको ध्यान ध्यान सोल्यूशन बताना है, ठीक है ना। क्या आप तैयार हैं? थैंक यू भाई, अब आप तैयार हो जाइए। बोला जाए, ठीक है भाई, तैयार? है ना, इसमें ओनली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें नो सोल्यूशन, सब में के का मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सब भाई लोग लिख लिए,
भाई लोग आ गया सब, थैंक यू। क्या आपने तीनों वैल्यू निकाल लिया? ठीक है ना? हाँ, तो मैं देखता हूं यहां पर फटाफट। देखिए, इसने कहा ओनली वन सोल्यूशन। क्या कहा? ओनली वन में क्या होता है कि एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू, यही ना, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो। तो के नॉट इक्वल टू तीन दूनी, कोई दिक्कत तकलीफ? तो ऐसे करके के नॉट इक्वल टू सिक्स, एनी प्रॉब्लम? नो। फिर कहा नो सोल्यूशन, तो एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट क्या होगा? बराबर होगा, यस और नो? तो गुना कीजिए, टू के बराबर के माइनस, इधर ले आओ, के बराबर माइनस वन। थर्ड क्वेश्चन, यस सर, किसका नहीं चेक करते है ना? जब पहले ही नॉट इक्वल टू है तो उसी को देखेंगे पहले, ठीक है ना? जब रास्ता यही ब्लॉक है तो आगे जा पाएंगे आप? नहीं ना, यहां पर रास्ता जो है ना खुला है, तब जाएंगे ना। ओके, नहीं देखना नहीं है, देखो यही सब कहा जाए। देखिए थर्ड क्वेश्चन, के बाय ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री बाय इज इक्वल टू के माइनस थ्री बाय, आप इसमें इन दोनों से ही बना सकते हैं और आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए इससे क्या था, इसे करो के स्क्वायर बराबर के बराबर प्लस माइनस छ, के बराबर प्लस माइनस छ, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब यहां पर चलते हैं, इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों से देखिए, थ्री के बराबर के स्क्वायर माइनस थ्री के, यही ना? देखो ना, के स्क्वायर माइनस थ्री के बराबर थ्री के, यही ना? इधर जगह जोड़ दो, सिक्स के हो गया ना, के स्क्वायर बराबर सिक्स के, तो के से के कट गया था, के इसका लू क्या आया, तो यहां से प्लस सिक्स आ रहा, खाली कितना आ रहा है? प्लस सिक्स आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन आ गया? प्लस सिक्स ना, तो के का वैल्यू खाली प्लस सिक्स लिखेंगे, है ना? क्योंकि यहां से प्लस माइनस दोनों आ रहा है, लेकिन यहां से खाली प्लस आ रहा है, तो दोनों में कौन कंडीशन सेटिस्फाई? बताओ, प्लस वाला, तो खाली के का वैल्यू प्लस सिक्स, यस और नो? हाँ, दोनों करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसमें दोनों इक्वल टू हो गया ना, इसलिए। ओके, तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं मेरे भाई लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, तैयार है? यहां देखिए जरा, दो बिंदु ए और बी हैं। दो बिंदु क्या है? ए और बी। तो दो बिंदु ए और बी का कोऑर्डिनेट एक्स वन बाई वन और एक्स टू बाई टू है। दो बिंदु ए और बी है, दो बिंदु क्या है? ए और बी। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन बाई वन और एक्स टू बाई टू है। कोऑर्डिनेट टू पॉइंट्स एंड बी, कोऑर्डिनेट टू पॉइंट्स एंड बी आर रिस्पेक्टिवली एक्स वन बाई वन और एक्स टू बाई टू, ठीक है ना? अब ये पूछेगा डिस्टेंस, क्या पूछेगा? तो ये डिस्टेंस फार्मूला, जो दो लाइन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हो, याद आ रहा है कुछ बचपन की बातें? एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना? एक दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला याद है सबको? एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वन फोर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वन फोर एंड माइनस टू एट, ठीक है ना?
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1, 4 एंड -2, 8 बिंदु 1, 4 और -2, 8 बिंदु 1, 4 और -2, 8 के बीच की दूरी निकालें बिंदु -1, 1, 4 और -2, 8 1, 4 और -2, 8 बिंदु 1, 4 और -2, 8 बिंदु 1, 4 और -2, 8 के बीच की दूरी निकालें निकाल दी कितना 5 इकाई ओके क्या आपको तकलीफ हुआ देखो जी ये x2 को पहले लिखो या x1 को पहले लिखो कोई फर्क पड़ने वाला क्योंकि स्क्वायर में है स्क्वायर में है तो कुछ भी लिखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा ठीक है ओके ठीक है तो सुनिए जैसे आप 1 में इसको माइनस करें या इसमें ये माइनस करें कोई फर्क पड़ने वाला क्या करूं चल ठीक है पहले x2 लिखता हूं -2 और -1 का स्क्वायर फिर लिखता हूं 8 माइनस तो किसी को आप आगे पीछे लिखे कोई फर्क पड़ने वाला तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यहां पर 3 है मालूम 3 का स्क्वायर 9 यहां 4 है 4 का स्क्वायर 16 9 25 का तो बोलेंगे 5 यूनिट क्या बोलेंगे इसका डिस्टेंस क्या 5 इकाई है ठीक है ना बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे लेकिन थोड़ा आज कम थोड़े थोड़े पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टेंशन न ले ठीक है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइव ही दे रहा हूं ना डेली दे रहा हूं कल भी दिया था आज भी हाँ पूरा कोऑर्डिनेट लाइव रहेगा जितना खाते हैं उतना ही सुना करो ज्यादा नहीं बजाया करो कान ठीक है ना